हाय गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? राधा रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, तो गाइस मैं आप लोग से आज किस बारे में बात करूंगी बता दूं। तो गाइस मैं आज आप लोग से बात करूंगी कि मैं मतलब बात नहीं करूंगी, बताऊंगी गाइस कि मैं कहाँ गई थी अपने शॉप के लिए मार्केटिंग करने। तो गाइस मैं बताऊँ आप लोगों से, मैं गई थी बनारस शॉप की मार्केटिंग करने के लिए। और गाइस कौन कौन गया था साथ में मेरे? मैं अकेले ही गई थी कि मेरे साथ कोई गया था? तो मैं बता दूं आप लोगों से, गाइस मैं अकेले नहीं गई थी। और क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब सामान मार्केटिंग करना रहता है, पहली बार तो ज़्यादा ही होता है, फिर थोड़ा थोड़ा अपना अच्छा लग रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा अपना एडजस्ट हो जाता है, आ जाता है। तो पहली पहली बार मैं अकेले नहीं गई थी गाइस, मैं गई थी, मम्मी गई थी मेरी, मेरा छोटा भाई गया था, मैं गई, मैं गई मैं गई थी गाइस, मम्मी गई थी, छोटा भाई गया था। और गाइस मैं आप लोगों से बता दूँ, एक भैया जी हैं मेरे और वो भी गए थे, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो शायद हम लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते, वही गए थे। और तब पूरी मार्केटिंग कैसे कैसे हम लोग किए हैं सब आप लोग को ब्लॉग में दिखा रही हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। ओके, बहुत ज्यादा टाइम बहुत हो गया, 4 बजे तक पहुंच जाओ। ठीक है, चलो खाना। तो गाइस जहाँ हम लोग आ रहे थे पहुँच चुके हैं, चल रहे हैं, हम दिखाते हैं कहाँ पे आए हैं। अब यहाँ से हम लोग का या ऑटो का सफर रहेगा, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हो चुकी है, चल के दिखाते हैं। काफी दूर हुआ। हाय गाइस, फाइनली जिस काम के लिए मैं बनारस आई थी वो पूरा काम हो चुका है, बट हम लोग भैया जी का वेट कर रहे हैं। भैया जी मतलब गए हैं कहीं, तो आ रहे हैं, तब चलते हैं गाड़ी से। और गाइस काम तो हो जाता बहुत पहले ही, बट क्या करें, हम कल मोदी जी आने वाले हैं, सुनने को मिला है कि मोदी जी आने वाले हैं, तो बहुत सारा ट्रैफिक इतना लगा था कि क्या ही बताएं आप लोग से। हम लोग 3 घंटे मतलब ट्रैफिक में फंसे थे, उसके बाद गए हैं तो अपना पूरा काम किए, काम आ गया, भैया जी भी आ गए, चल रहे हैं, अब हम लोग बैठेंगे, फटाक से पहुंच जाएंगे घर पे। ओके, तब तक चंदन गया है कुछ नाश्ता पानी करने, आ रहा है, देख सकते हैं गाड़ी आ गया। हाय गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? राधा रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस तो आप लोग से मैं बता दूं कि कल गई थी मैं बनारस, तो वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि समय नहीं था। और उसके बाद कल हम लोग ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंस गए थे क्योंकि आज मोदी जी आने वाले हैं, तो इसलिए, और फिर वहाँ का ब्लॉग नहीं दिखा पाई। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे आके दिखाऊँ कि मतलब क्या करने गई थी। तो गाइस मैं खोल रही हूँ कॉस्मेटिक और केक का शॉप,
तो वही की मार्केटिंग करने गए थे हम, मम्मी, भाई और एक दो लोग गए थे। तो आ गई हूँ, आई कल मैं 10-11 बजे रात, और फिर दिखाती हूँ। आ गई हूँ आज अपने शॉप पे, तो अभी मतलब ओपन नहीं हुआ है शॉप, क्योंकि अभी आज 2-3 दिन यहाँ पे काम लगेगा, सब कुछ रेडी कर लेंगे हम लोग तक। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूजा भी आई है, पूजा भी हेल्प कर रही है मेरा, और चंदन गया है काउंटर, आर्डर किया था तो लेने गया है, और इधर सामान है। अभी कुछ मतलब नहीं, बस ऐसे ही लिख रहे हैं हम लोग, और चंदन का वेट कर रहे हैं, आ रहा है चंदन। तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। देखिए आप लोग, यही सब है, सब कुछ मतलब मार्केटिंग हो गया है सब कुछ का, बस थोड़ा बहुत और बाकी है, और जो मतलब कांच वाला सामान है तो वो आ रहा है, पार्सल से हम लोग मंगा रहे हैं, मार्केटिंग कर लिए थे, अब वहाँ से आएगा। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं काम कर लूँ फटाफट। तो देखिएगा इस रैक आ चुका है, और वही अभी लेके आए हैं मिस्त्री लोग। आए चाहे दो मिस्त्री के, तू मिस्त्री मत करो। हाँ तब का देखिए गाइस, रैक में से कैसी सब कुछ है। चलिए।